मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है और इस क्रम में वे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलेंगे। इसके अलावा उनकी मुलाकात आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। विपक्षी एकता की मुहिम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम नीतीश लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब उनकी मुलाकात ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से होगी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और 11 मई को सीएम नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने महाराष्ट्र जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की गोलबंदी को लेकर सकारात्मक और ऊर्जावान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर और आक्रामक हो गई है। अरे चाय नाश्ता करने दीजिए मुख्यमंत्री जी को, कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। मुंबई भी जाएंगे, मुंबई एकदम जाके फिल्मिस्तान देखना भी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी बिहार में तो बना ही नहीं 18 साल में, यहाँ तो कुछ बना नहीं। भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की एकता को गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन ये बात तो तय है कि विपक्षी एकता की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। महागठबंधन का कहना है कि विपक्षी एकता की मुहिम से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इसीलिए उनके नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बीजेपी पूर्ण रूप से अब घबराहट में है और जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई, जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को विपक्षी एकता एकजुट करने में सफलता मिल रही है, जहां केजरीवाल साहब खुद स्वयं समर्थन नीतीश कुमार जी की बातों को उन्होंने किया है, ममता बनर्जी जी ने किया है, अखिलेश यादव जी ने किया, जो गुलबंदी बिहार देश के अंदर बिहार मॉडल पर जिस तरह से विपक्षी एकता एकजुट है, उसी तरह नीतीश कुमार जी का यह सफल अभियान देश के स्तर पर हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी एकता से न केवल घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी को थथराहट हो रही है कि विपक्ष का कुनबा बड़ा हो रहा है। देश भर में जो गैर भाजपा दल है, एक के बाद एक यूपी और महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। आप देखेंगे अखिलेश यादव जी को, आप केजरीवाल साहब को देखे होंगे, ममता बनर्जी जी से भी नीतीश जी मिल चुके हैं, अब नवीन पटनायक जी से मिलने जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी से मिलेंगे, स्टालिन साहब से पहले बात हो चुकी है, सीपीएमआईएल का पहले से रहा है सहयोग। समान विचारधारा वाले दल सब एक मंच पर आ रहे हैं और बिहार ने पहले ही कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। नीतीश जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, सब लोग जो समान विचारधारा वाले दल हैं, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार जी, सारे लोग एक मंच पे हैं और नीतीश जी बड़ी तेज़ी से गुलबंदी में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। नवीन पटनायक जी समाजवादी भूमि से हैं, उनकी पृष्ठभूमि जो है समाजवाद रही है। जनता दल के जमाने में सब एक ही जगह लोग थे, पुरातन रिश्ता भी है, उनकी नीतियां भी समाजवाद से। विपक्षी एकता कर्नाटक में जब भी चुनाव हो रहा है तो जेडीएस और कांग्रेस को ये कर देते ना, विपक्ष मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितनों चाबुक मारिएगा तो दौड़ेगा नहीं। विपक्षी एकता कैसे हो पाएगी? अगर हो ही गया तो बीजू पटनायक जी बिहार में भाषण करने आएंगे तो क्या असर पड़ेगा, और नीतीश जी बंगाल में जाएंगे भाषण करने तो क्या असर पड़ेगा। ये देखिए, ये लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते प्रभाव से घबरा गए हैं, इन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है, तो विपक्षी एकता का सुर अलाप रहे हैं। विपक्षी एकता कुछ नहीं है, अगर हो गया तो सीटें बंटवारा में फिर मारम पिटी होगा। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप है, क्या यूपी में एक मंच पर कांग्रेस और अखिलेश यादव आ पाएंगे, क्या बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ दिखेंगे,
ऐसे कई दल हैं जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी नेताओं में प्रधानमंत्री बनने की लालसा लगभग सभी नेताओं में है। तो आखिर विपक्षी एकता की मुहिम कैसे रंग लाएगी जब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कोई एक मत नहीं है। पीएम चेहरे पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि 2004 में भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं था और मिल बैठकर यूपीए के नेताओं ने रास्ता निकाला था। 2024 में बैठकर रास्ता निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो समय तय कर देगा, उसकी चिंता ना करें। 2004 में कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे बन कर करके, लेकिन देश को 10 साल तक प्रधानमंत्री दिया, एक ईमानदार छवि वाला प्रधानमंत्री दिया। और जब नीति जब बन जाएगी, कॉमन मन प्रोग्राम होगा, तो आगे भी तय हो जाएगा कि कौन अगला देश का प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है, नीतीश कुमार जी ने भी ये बात कहा है कि प्रधानमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, देश बचाना मेरा उद्देश्य है। राहुल गांधी जी ने देश बचाने की लड़ाई लड़ी है, वहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को एक करने की लड़ाई लड़ी है। तो साल 2024 के समर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही विपक्षी एकता की मुहिम की गाड़ी भी काफी रफ्तार में आगे निकल रही है और ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी एकता सही मायनों में मजबूत हो रही है और ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है या फिर कई सारे मुद्दों और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्षी एकता की गाड़ी पर आने वाले समय में कहीं ब्रेक तो नहीं लग जाएगा। क्या इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच एक बात तो तय है कि आने वाले साल 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर महागठबंधन। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।